नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट स्कैम के बारे में। और रीट स्कैम इतना बड़ा है कि इसको छुपाने के लिए, क्योंकि चुनावी साल है, 2018 में विधानसभा के चुनाव है, 2019 में लोकसभा के चुनाव है, तो विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस स्कैम को कितना शातिर तरीके से इसको दबाया जा रहा है सरकार की तरफ से, वो आप देख लीजिए। कि कल 2 बजे हमने इस अभियान की शुरुआत की, 6 बजे तक ये अभियान चला और लगभग 10,000 हैशटैग रीट स्कैम शेयर हुआ और सरकार तक भी ये पहुंच गया, क्योंकि ऑफिशियल अकाउंट्स पर युवा बेरोजगार अभ्यर्थियों ने इसको ट्वीट किया लगातार, जिससे कि ट्वीट भी किया सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, सब जगह शेयर किया, जिससे सरकार को भनक लग गई। क्योंकि सोशल मीडिया पर सरकारी जो तंत्र है वो पूरी तरीके से जो है सक्रिय रहता है, और उन तक जब ये बात पहुंची कि इस तरह का अभियान चल रहा है, तो ये आने वाले चुनावों में उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा और विपक्ष को भी इसमें मुद्दा मिल जाएगा। तो उन्होंने इसको दबाने के लिए एक लॉलीपॉप दिया है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और लॉलीपॉप तो इसलिए दिया गया है ताकि आप भ्रमित हो जाएं, और भ्रमित किस तरीके से हो जाएं उसके लिए अलग अलग पोस्ट भी किए जा रही है सोशल मीडिया में कि आरपीसी का कैलेंडर जारी हो गया है। हाँ बिल्कुल, और ये जारी किस लिए किए गए, ये सरकार ने जानबूझ करके उन 4 घंटों का वो प्रतिक्रिया देखते हुए, जब ये लगा कि एक अभियान शुरू हो गया है रीट के स्कैम को उजागर करने का, क्योंकि ये करोड़ों का घोटाला है, बहुत सारा पैसा इसमें सरकार ने बनाया है और उनसे ये गौरव यात्राएं निकाली जा रही हैं। हम कोई भाजपा विरोधी नहीं है, हम तो नरेंद्र मोदी जी के समर्थक भी रहे हैं और हैं, करते भी हैं, लेकिन इस तरीके के घोटाले होंगे युवा बेरोजगारों के साथ, अगर इस तरह का अन्याय होगा तो हम आवाज़ उठाएंगे। तो ये आरपीसी का कैलेंडर कल जल्दबाजी में इसलिए डाला गया, हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट्स पर अभी भी नहीं आया है, लेकिन ये फाइनली जारी कर दिया गया है ये मान के चलें, और हमने भी इसकी आपको अपडेट सबसे पहले दे दी थी कल रात में। तो ये आरपीसी का कैलेंडर बनवाया गया, हालांकि कल आरएस प्री का रिजल्ट आना था, लेकिन जब सरकार को ये पता चला, विभाग को ये पता चला कि इस तरह का अभियान एक छिड़ चुका है, तो इसको दबाने के लिए, अभ्यर्थियों को गुमराह करने के लिए और उनको इस तरीके से उनका मनोबल तोड़ने के लिए एक नई चीज़ डाली जाए। तो आरएस प्री का रिजल्ट है उसको तो रोक दिया गया, हालांकि वो कल पूरा फाइनल था, जैसा कि हमने आपको बताया था, हमारे जो सूत्र हैं, विश्वास पात्र सूत्र हैं आरबीसी के, उन्होंने हमें पूरी डिटेल दी थी कि 5 सितंबर को आरएस प्री का रिजल्ट आएगा, लेकिन उसको जो है एक बार के लिए रोक दिया गया, क्योंकि ये अभियान आगे ना बढ़े इसलिए इन्होंने आरपीसी का कैलेंडर जारी किया, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो उनकी डेट है एग्ज़ाम्स की भर्ती की डेट इन्होंने जारी कर दी, और एक पोस्ट ये फैला दी चारों तरफ कि भाई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम आ रही है, तो इस अभियान अभियान को छोड़ो और लग जाओ तैयारी में, नहीं तो वही भी रह जाएगी। तो दोस्तों, इस वहम में कभी नहीं रहना है आपको कि भाई अब हम इस अभियान और अभियान की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, हम तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी में लग जाएंगे, पूरा समय उसी को देंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जब इसमें फर्जीवाड़ा हो सकता है तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी फर्जीवाड़ा हो सकता है, और वो किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे पेपर लीक हो या आपको पता भी नहीं चलने दे, कट ऑफ में परिवर्तन कर दे या कुछ इस तरीके से, किसी भी तरीके से किया जा सकता है फर्जीवाड़ा। तो अगर विभाग चाहे, सरकार चाहे, तो इस घोटाले को छुपाने के लिए आरपीसी ने एक कैलेंडर जारी किया, साथ में ये पोस्ट फैलाई गई कि आप अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी करें और इस स्कैम को ध्यान ना दें, क्योंकि ये करोड़ों का घोटाला है, बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइटेड किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है उनको, इसलिए इसको दबाने के लिए जल्दबाजी में कैलेंडर तैयार किया गया, और इतनी जल्दबाजी की गई कि ऑफिशियल साइट पर भी उन्होंने नहीं दिया, पहले मीडिया में उन्होंने दिया कि पहले मीडिया के थ्रू, क्योंकि मीडिया में साइट पे तो लोग बहुत कम चेक करते हैं, उससे पहले मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाया जाए ताकि घोटाले की तरफ कोई खबर ना आए। तो मैं ये चाहूँगा दोस्तों, आप हैशटैग रीट स्कैम को हर जगह, चाहे वो सरकार विरोधी तंत्र हो, चाहे मीडिया हाउस हो, जर्नलिस्ट हो, या फिर आपकी जो भी आपको सही लगे, मिनिस्टर्स हो या पॉलिटिशियंस हो, सबके वॉल पे, सबके पेजेस पे जाके हर जगह आप इसको हैशटैग रीट स्कैम को उठाएं। इसके लिए आपका बिल्कुल भी समय ख़राब नहीं होगा, आप अपनी तैयारी तो करते रहें, लेकिन दिन में बीच बीच में जब आप 10-15 मिनट का खाना खाने के लिए अन्य जो ब्रेक लेते हैं,
उनके अंदर आप अपना मोबाइल तो आप चलाएंगे ही चलाएंगे, आजकल कौन है जो बिना मोबाइल चलाए रहता है। तो आप उस समय में हैशटैग रीट स्कैम को 5 जगह 10 जगह जहाँ पे भी हो आप इसको शेयर करें, क्योंकि ये घोटाला है और ये उनके साथ धोखा है जो बार बार तैयारी नहीं कर सकते, जिनके परिवार सक्षम नहीं है, तो उनके लिए भी आप आवाज़ उठाएं, केवल अपना स्वार्थ ना देखें। और हमें इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं करनी है, हमने युवा बेरोजगारों के लिए ये अभियान चलाया है, हमारा इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है। हमारा रीट से या फर्स्ट ग्रेड से सेकंड ग्रेड से या राजस्थान के इस तरह के जो टीचर रिक्रूटमेंट से हमारा तो कोई वास्ता ही नहीं है। तो दोस्तों आप ये जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव जो पोस्ट करते हैं नीचे वीडियो में भी करते हैं, उनको जवाब ज़रूर दें, बिना जवाब दिए ना निकलें और इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, जो बात हम आपको समझाना चाहते थे हम ऐसे आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद दोस्तों।